का जुगाड़ भी करना है। उसके अलावा और बहुत सारी प्रायोरिटी हैं जो पूरी करनी है। केवल संस्कार ही नहीं देना है, लेकिन स्कूल में जहां सिर्फ संस्कार ही देना है। तो अगर बच्चे बिगड़ते हैं, अगर बच्चे डिप्रेशन के शिकार होते हैं, अगर बच्चे चोरी और हत्याओं में लिप्त हो रहे हैं, तो घरों का जितना हाथ है सो है, बहुत सारा हाथ स्कूल्स का भी है। डिवाइन स्कूल को सिर्फ इस तरह से मत लीजिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नीडी बच्चों को। मैं यहाँ बार बार नीडी वर्ड यूज नहीं करूंगा, क्योंकि बच्चों के पेरेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं, हम नहीं चाहते उनका मॉरल डाउन हो और उन बच्चों का मॉरल डाउन हो। बहुत नीडी ऑर्फन चाइल्ड जो होते हैं, उन बच्चों को हम लोग एजुकेशन देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन होती है। सब कुछ स्कूल से प्रोवाइड कराया जाता है, एक क्वालिटी की एजुकेशन दी जाती है उनको। उसके साथ साथ उनके मानसिक स्तर को बढ़ाया जाता है। दिखाना चाहूंगा, ये है स्कूल जहां एक ग्वाला लड़का कृष्ण के रूप के निकलता है। क्यों? कि उसका टीचर सांदीपनी है। ये स्कूल है, स्कूल आप देखिए, 3 साल पहले हमने स्कूल को स्टार्ट किया था, जो आज फैलता चला जा रहा है। 3 साल पहले ये स्टार्ट किया गया था एक किराए की बिल्डिंग में। आज ये अपने बिल्डिंग लेने के लिए तैयार है, लगभग ले चुका है। ये बच्चे स्कूल के 600 बच्चे हमारे पास एडमिशन के लिए आते हैं। हम बहुत देख के सिर्फ 90 बच्चे हम लोगों ने अभी दिए हैं। आगे चलते हैं, ये स्कूल के बच्चे हैं, ये बच्चे हैं स्कूल के। ये वो मैटेरियल जो बच्चों को दिलाया जाता है स्कूल की तरफ से, स्कूल ड्रेस, 3 स्कूल ड्रेस उनको स्कूल से मिलती हैं, स्कूल बैग, अम्ब्रेला, शूज, सॉक्स, पूरा स्टेशनरी, मील, सब कुछ स्कूल से प्रोवाइड कराया जाता है। आगे ये वही चल रहा है जो बच्चों को हम लोग प्रोवाइड कराते हैं स्कूल से, वार्म क्लॉथ, क्लॉथ, डॉक्टरी चेकअप, मेडिकल फैसिलिटीज बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए टाइम टाइम पे लेक्चर, ये हर क्लास के हैं। बच्चों के अलग अलग एक्टिविटी, मील कोशिश की जाती है टाइम टू टाइम उनको स्कूल से ही भोजन की व्यवस्था कर सकें। ये हुआ स्कूल। उसके बाद सेकंड नंबर एजुकेशन का, कितने एजुकेटेड हो रहे हैं लोग। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं हर बार ये वाली बात बोलता हूँ कि आप सोचिए, जब लोग अनपढ़ होते हैं, जो लोग अनपढ़ होते हैं उनमें डिप्रेशन के शिकार कितने लोग होते हैं, उनमें कितने लोग सुसाइड करते हैं। और फिर उस वर्ग को देखिए जो बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत एजुकेटेड है, उसमें आप सुसाइड के परसेंटेज को देखिए, उसमें आप डिप्रेशन के शिकार परसेंटेज को देखिए, तो आप पाएंगे वो लोग ज्यादा हताश होते हैं। केमिस्ट्री की बड़ी बड़ी इक्वेशन को जो एक चुटकी में हल कर देते हैं, जीवन की छोटी छोटी उलझने जब उनके पास आती है तो वो पंखे से लटक के खत्म कर लेते हैं अपने आप में। ऐसी एजुकेशन है हमारी, जीवन पूर्ण है और वो सिर्फ एक फील्ड को पढ़ लेते हैं, एक इक्वेशन को पढ़ लेते हैं। उनको मालूम नहीं कि लाइफ इज अ रिवर नॉट अ कैनाल। जीवन कोई नहर नहीं है कि आपने इसके रास्ते बांध दिए हैं कि ऐसे ऐसे ही चलेगा। जीवन नदी के जैसा है, ये अपनी दिशा अपने आप तय करता है, कब कहां चलेगा, कैसे चलेगा, कल आपके जीवन में क्या मोड़ आएगा, कल आपका जीवन क्या परिस्थिति आपके सामने खड़ी करेगा। उस टाइम आपको केमिस्ट्री की बुक आपके काम नहीं आएगी, उस टाइम आपकी प्रतिभा आपके काम आएगी, आप उसका प्रत्युत्तर कैसे देते हैं। असली एजुकेशन क्या है, जो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हम ये वाले एजुकेशन ना ले, ये भी ले, बट साथ साथ व्यक्ति अपने जीवन का सामना कर सके, हर परिस्थिति का मुंह तोड़ जवाब दे सके कृष्ण जैसे। ये एजुकेशन है जिसने मुंह में पड़े हुए अर्जुन को और कृष्ण की एजुकेशन ने निकाल दिया, उसके मुंह को खत्म कर दिया, उसकी सब जो टेंशन्स थी, उसके जो डाउट्स थे उनको क्लियर कर दिया। ये एजुकेशन है और हम कोशिश करते हैं कि हमारे एजुकेशन का स्तर ये हो। अंदर चलते हैं इसमें। हर साल स्कूल में 2 क्लासें पढ़ाई जाती हैं, एक क्लास तो ऑटोमेटिक वही बढ़ जाती है दूसरी क्लास में, और एक हम नई क्लास खोल देते हैं। ऐसा करते हुए ये स्कूल अब मार्च में 8 तक हो चुका है, 8 तक हो जाएगा अगले महीने। ऐसे करके हम इसके एक इंट्रो कॉलेज बनाएंगे।
और इसके साथ साथ जो लड़कियां बड़ी हो चुकी हैं उनके लिए हम लोग अभी एक साल का था बट इस बारी से दो साल का वोकेशनल ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखते हैं। इसमें आप देखेंगे उनको सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण देते हैं। ये देखिए, ये हमारे बच्चे पढ़ते हुए हैं क्लासरूम, हर क्लास में एक व्हाइट बोर्ड होगा, कंप्यूटर होगा, सॉफ्टवेयर होंगे, ये सोच के कि बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग एजुकेशन दे रहे हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। ये स्विमिंग क्लास, 10 लड़कियों को हम एक साल सिलाई सिखाते हैं और वो दो साल हमने कर दिया है इस बारी से। उनको वहीं से सब मेटीरियल मिलता है सिलाई सिखाने के लिए, सिलने के लिए कपड़े, और उसके बाद उनको एक सिविंग मशीन गिफ्ट की जाती ताकि वो अपना कुछ रोजगार शुरू कर सके। इसमें से हम 20 लड़कियां हमारे यहाँ से पास आउट हैं, जो बहुत सारी लड़कियां एम्प्लॉय हो चुकी हैं, अपने 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 स्तर पे अपने पैरों पे खड़ी है। ये देखिए, ये उन्हीं के लड़कियों के बनाए हुए कपड़े हैं जो मॉडलिंग के द्वारा उन्होंने दिखाए हैं। ये कुर्ता पजामा बैग आज भी आप इस प्रोग्राम को यहाँ पे देखेंगे। ये वही कपड़े जो तैयार करती हैं, ये सब कपड़े, ये भी कपड़े, ये एक मशीन उनको गिफ्ट की जाती है, आज भी की जाएगी उन सभी लड़कियों को। और अब एक बात और बताऊं मैं आपको, मेरा कहना है बच्चों के अंदर प्रतिभा की कमी नहीं है। हमारे यहाँ ना प्रे नर्सरी है, ना नर्सरी है, ना एलकेजी है, ना यूकेजी, बच्चा डायरेक्ट फर्स्ट में आता है। स्कूल खुले हुए सिर्फ 3 साल हुए हैं, आप सोचिए हमारा बच्चा थर्ड स्टैंडर्ड में है और स्कूलों का बच्चा यूकेजी का होगा या एलकेजी का होगा, लेकिन उसकी प्रतिभा आप टीचर से कभी पूछिएगा, स्कूल में कभी आएंगे आप तो आप देखेंगे कि हम लोगों को जब उनकी शीट होती है, एग्जाम शीट होती है, तो उसमें ये मुश्किल होता है 50 में से 45 किसको दें। मैं एक बात कहीं पढ़ रहा था बड़ा सुंदर, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, कि उनके बंगाली परिवार से वो ताल्लुक रखते थे, वो 8 भाई बहन थे, तो उनके यहाँ एक परंपरा थी कि जब भी किसी का जन्मदिन होता था तो उसके बारे में रजिस्टर में कुछ नोट कराया जाता था, इसके बारे में कुछ लिखे। तो अभी वो रजिस्टर मिल गया है, उसके बारे में उनके 7 भाई बहनों के लिए बहुत सुंदर सुंदर लिखा गया है, ये बहुत पढ़ता है, ये बहुत मेहनत करता है, बहुत अच्छा है, सारा दिन किताब में घुसा रहता है। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर के लिए हमेशा लिखा जाता है कि वो तो बस पोयम ही लिखता रहता है, निखट्टू है, बेकार है, ऐसा लिखा जाता है उसके अंदर। आप बताइए, आज उनके 7 भाई बहनों के आपको नाम भी नहीं मालूम और रविंद्रनाथ टैगोर का नाम दुनिया लेती है। गीतांजलि और राष्ट्रगान के रचयिता, और बहुत, मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर हम बच्चे को वही एक भीड़ चाल वाली एजुकेशन ना देके उसके मेंटल को डेवलपमेंट करते हैं, उसके मानसिक स्तर को डेवलप करते हैं, तो हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, हमें लगता है नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा। लेकिन हमारा डिवाइन स्कूल एग्जांपल इस बात का कि बच्चे की प्रतिभा और निखर के आएगी। तो जो 3री क्लास का बच्चा है उसने प्रेजेंटेशन तैयार किया, अभी मैं जो आपको दिखाने वाला हूं यहां पे, उस बच्चे ने प्रेजेंटेशन को तैयार किया है, 4 बच्चों ने, वो आपका वेब डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं। अब आप सोचिए वेब डिजाइनिंग के कोर्स को करने के लिए बच्चे की इंग्लिश कितनी हाई फाई होनी चाहिए, उसको सब कुछ आना चाहिए। छोटी सी उन्होंने स्टोरी तैयार की है, इसलिए मैं बुलाना चाहूंगा बच्चों को, वो 4 बच्चे आ जाएं। अमन, अमन, जैनब, नहीं लाइट आप मत कीजिए, अमन, जैनब और दूसरे बच्चे ये प्रोग्राम के लिए तैयार हैं, बट टीच में ये इसको लाइट को बंद कर दीजिए, ये अपना परिचय देंगे पहले आपको।